देवभूमि रे जल प्रलय सते जमिति व्यास नदी अभिशाप झरी पड़ुछि देवभूमि उपरे स्थिति एमिति जे सतर लोकों जीवन जीवा सहित सबकिछि एपट सेपट हो जाइछि। मात्र किछि दिनर बादल फटा वर्षा रे सबकिछि बेहाल होइ पड़िछि। सूत्र हिसाब रे 300 रु 400 कोटी टंकार साधारण संपत्ति हानि सहित भिन्न भिन्न जगह देखा मिली किछि एभली दृश्य। केउंटी ब्रिज भांगी भासी जाउछि तो आउ केउंटी गाड़ी मोटर सहित मंदिर बुड़ जावाक बसलानी। सते जमी लगुची ये हेउची कलीजुगर अंत। बादल फटा वर्षा रे स्थिति एभली जे सरकार तरफ 12 एनडीआरएफ टीम मध्य नियोजित करा जाइछि। अन्यपटे पुलिस तरफ जो जगह लोक मैंने फसी रही उद्धार करने प्रयास जारी रही। आप जैसे कि स्वयं देख पा रहे हैं कि पानी का जो स्तर है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है और अभी भी स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिए हैं। जो घर नदी के किनारे बसे हुए हैं वहां से लोगों को निकाल दिया गया है। अभी भी हम एक घंटा पहले हमारे एसडीओ साहब के साथ हम करीब 80 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर चुके हैं। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं जो कि बिल्कुल नदी के पास है और जहां पर जानमाल का बहुत अधिक खतरा है उनको सेफ जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मंडी का कौन सा इलाका है जहां पे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ? और मंडी का जो भी इलाका ब्यास नदी के किनारे है क्योंकि वहां पर बस्तियां हैं और कई सालों से है और खासकर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो नदी के पास रहती है क्योंकि जल की सुविधा के कारण वो वहां बस जाते हैं, इसलिए उनमें से सभी को इवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी मंडी में कौन सी इलाके में खतरे वाली सिचुएशन है जहां आप साइट विजिट कर रही हैं और क्या कुछ प्रबंध? अभी हम जहां जाकर आए उसे भ्यूली कहते हैं जहां थोड़ी झुग्गी झोपड़ियां हैं और उसके अलावा भी जो घर हैं जो नदी के आसपास हैं उनमें अभी भी खतरा बना हुआ है। ठीक है मैम, इसके अलावा कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया आपकी तरफ से उसके बारे में? आज हमने करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया है। कल हमने करीब 8 लोगों को पंडो नामक जगह से जहां पर वीवीएमबी का डैम है वहां से रेस्क्यू किया था और साथ में जहां पर ये पंचवक्त्र मंदिर है जो कि आधे से ज्यादा जल में निमग्न हो चुका है वहां से भी लोगों को रेस्क्यू किया है। कम्युनिकेशन को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आ रही है इस टाइम, उसके क्या कुछ सुविधाएं आपको पहुंचाई गई? कम्युनिकेशन की दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि कहीं पर जब बिजली बाधित हो रही है तो लोग मोबाइल्स को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमने टूरिस्ट पे नजर रखी है और हमारे पास कुछ सैटेलाइट फोन्स भी हैं और वॉकी टॉकीज भी हैं जिससे हम कम्युनिकेशन को बनाए रखें। वर्तमान सुधा 80 जन को उद्धार करा जाइथिबा स्थले 17 जन को मृत्यु होइथिबा सरकारी सूत्र जना पड़ी एवं यह सहित आग को जो क्षयति होर परिमाण 3000 रु 4000 कोटी पर्यंत पहुंच जाए कहुची। तेज हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कहवा कथा जे गत 50 वर्ष प्राकृतिक विपात देखा मिल ना देवभूमि, तेरे देवभूमि होता ए सबू एबे थराई देछि लोक मानकु। ड्रोन चार्ट्रे आपण देखि पारुछंती किभळी नदी रे उछुला पाणी एबे भय सृष्टि करिछि। एहा सहित हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु को कहिबा कथा वर्तमान 400 रु अधिक पर्यटकंकु उद्धार करा जिबा सहित स्थानीय अंचल रे जे माने फसि रहिछंती सेमानंकु उद्धार करिबा पई चेष्टा चलिछि। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश रो चंद्रताल पगल तेलकिनल्ला राहुल आउ स्पीति अंचल रे स्थिति भयावह अछि। अन्य पक्षरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु सहित मध्य फोन जगे आलोचना करी स्थिति उपरे नजर रखिथिबा कथा कहुची एवं एहा सहित क्षयक्षतिर आकलन तथा जनजीवन को बंचेबा पई मध्य चेष्टा चलिछि। प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100 1070 1077, और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग करें और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें।
जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। केवल सेतिकी नुहे, स्थानीय अंचल रे विद्युत सरबराह एवं पानीय जल समस्या रो भी संकट देखा देउछि। कारण एते परिमाण रो भूस्खलन होइछि जे अनेक सारा जगह रे पानी लाइन पाइप फाटी जाइछि, जहाँ की स्वाभाविक स्थितावस्था को फेरिबा पई 3-4 दिन समय नेबो बोली मध्य कहा जाउछि। ब्यास नदी रे जो जलबन्या सृष्टि होइछि, एहा ए देवभूमि पहाड़ी इलाका पई अत्यंत भयंकर अटे। तबे स्थिति उपरे नजर रखाजीबा सहित स्थानीय अंचल रे लोकों को सुरक्षा पई हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करा जाइथिबा कहा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदीप टीवी।